दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक हॉरर थ्रिलर फिल्म दी एनाटॉमी को। फिल्म की शुरुआत में हम मेडिकल कॉलेज को देखते हैं जहाँ पर एक प्रोफेसर स्टूडेंट्स को एनाटॉमी यानी कि पोस्टमार्टम करना सिखा रहा होता है। यहाँ पर हम पोला नाम की एक लड़की को भी देखते हैं जो काफ़ी अच्छे से एनाटॉमी कर रही होती है, जिसके बाद में प्रोफेसर पोला को अपने रूम में बुलाता है और प्रोफेसर पोला को बताता है कि उसका यहाँ के फेमस कॉलेज हीडलबर्ग में एडमिशन हो गया है। ये सुनकर के पोला बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। इसके बाद में पोला अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए अस्पताल में जाती है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद में पोला के ग्रैंडफादर का ऑपरेशन होने वाला होता है। पोला अपने ग्रैंडफादर को हीडलबर्ग के बारे में बता देती है। इसके बाद में पोला के ग्रैंडफादर बताते हैं कि वो भी हीडलबर्ग में एक प्रोफेसर रह चुके हैं। ये सुनकर के पोला बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। इसके बाद में पोला अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जाती है और उन्हें हीडलबर्ग के बारे में बता देती है। उसके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अगले सीन में हम हीडलबर्ग कॉलेज की एक लैब को देखते हैं जहां पर एक आदमी को बेड पर बांध करके रखा गया होता है। वहां पर दो डॉक्टर्स भी होते हैं। तभी इस आदमी को होश आ जाता है। इसके बाद में ये आदमी देखता है कि उसके पेट को बुरी तरह से काट दिया होता है, साथ ही साथ डॉक्टर उसके ऑर्गन्स निकाल रहे होते हैं। इसके बाद में वो आदमी बुरी तरह से घबराने लगता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद हम पोला को देखते हैं जो ट्रेन से हीडलबर्ग के लिए जा रही होती है। तभी ट्रेन में पोला को एक और स्टूडेंट मिलती है जो हीडलबर्ग जा रही होती है और इसका नाम ग्रेशियन होता है। तभी ट्रेन में एक स्टूडेंट को अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है, जिसके बाद में पोला उस स्टूडेंट को ऑक्सीजन देती है और उसे ठीक कर देती है, जिसके बाद में सभी स्टूडेंट उसकी तारीफ करने लगते हैं। अगले सीन में पोला और ग्रेशियन हीडलबर्ग पहुंच जाते हैं जहां पर पोला और ग्रेशियन एक ही रूम में रुकते हैं। इसके बाद में एक लड़का इन्हें आकर के बताता है कि प्रोफेसर ने उन्हें एनाटॉमी रूम में बुलाया। जब ये दोनों एनाटॉमी रूम में पहुंचते हैं तो वहां पर कोई भी नहीं होता है, वहां पर बहुत सारी डेड बॉडीज रखी होती हैं। तभी उनमें से एक डेड बॉडी अचानक से हिलने लगती है। ये देख करके ये दोनों डर जाती हैं। तब पोला डेड बॉडी के पास जाती है और देखती है कि डेड बॉडी का सिर कटा हुआ है। इसके बाद में पोला डेड बॉडी के बेड के नीचे काफी सारे वायरस को देखती है, जिसके बाद में पोला वायरस का पीछा करते हुए एक रूम में पहुंच जाती है जहां पर पोला के सीनियर स्टूडेंट होते हैं जो इनसे मजाक कर रहे होते हैं। पोला उन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है। इसके बाद हम स्टूडेंट की पार्टी के सीन को देखते हैं जहां पर हम उसी ट्रेन वाले लड़के को देखते हैं जो ड्रिंक करने के बाद में वॉशरूम में जाता है। तभी पीछे से कोई उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है और उसे घसीट करके ले जाता है। इसके बाद हम पोला को देखते हैं जो कि हैन और कैस्पर नाम के दो लड़कों से मिलती है। अगले सीन में हम उसी लड़के को देखते हैं जो कि एक लैब में होता है। वहां पर दो डॉक्टर्स भी होते हैं और डॉक्टर आपस में एनाटॉमी करने की बातें कर रहे होते हैं। ये सुनकर के लड़का समझ जाता है कि उसके साथ कुछ तो गलत होने वाला है, इसलिए वो पास ही में रखे टूल्स में से एक कटर को उठा लेता है। अब जैसे ही डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाने के लिए आता है तो वो डॉक्टर पर अटैक कर देता है और वहां से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी दूसरा डॉक्टर उसके रास्ते को रोक देता है। इसी बीच में घायल डॉक्टर पीछे से उसे चाकू मार करके बुरी तरह से मार देता है। अगले दिन एक प्रोफेसर सभी स्टूडेंट को ह्यूमन बॉडी की रिप्लिकास दिखा रहा होता है और कह रहा होता है कि ये नकली ह्यूमन बॉडी की रिप्लिकास है, असल में ये रिप्लिकास असली इंसानों की बॉडी से बनी होती है। इसके बाद में प्रोफेसर एनाटॉमी सिखाने के लिए इन सब को लैब में लेकर के जाता है जहां पर सैंपल के तौर पर उसी लड़के की डेड बॉडी होती है। पोला डेड बॉडी को देख करके डर जाती है और ग्रेशियन से कहती है कि वो लड़का इतनी जल्दी नहीं मर सकता था क्योंकि वो बिल्कुल ठीक था। अब पोला को लगता है कि यहां पर कुछ तो गलत हो रहा होता है, इसलिए पोला रात में छिप करके लैब में जाती है और लड़के की डेड बॉडी से ब्लड सैंपल ले लेती है। तभी पोला का ध्यान उसके पैर पर जाता है जहां पर ट्रिपल ए का साइन बना होता है और ये साइन एक सीक्रेट सोसाइटी का साइन होता है। तभी वहां पर एक टीचर आ जाता है। टीचर पोला से पूछता है कि तुम इतनी रात यहां पर क्या कर रही हो। तब पोला कहती है मैं एक स्टूडेंट हूं और मैं यहां पर सैंपल लेने के लिए आई थी। इसके बाद में पोला घबराते हुए वहां से चली जाती है। इसके बाद में वो टीचर किसी को कॉल करता है और बताता है कि पोला कोई छानबीन कर रही है। वहीं पर हम पोला को देखते हैं जो कि लैब में सैंपल देख रही होती है, जिससे कि उसे ब्लड में अजीबोगरीब चीजें दिखती हैं, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाती है, इसलिए अपने एक फ्रेंड को कॉल करती है और सारी बात बता देती है, जिसके बाद में उसका फ्रेंड सैंपल भेजने के लिए कह देता है। इसके बाद में पोला जब लैब से बाहर जाती है तब उसे वहां पर कैस्पर मिलता है, जिसके बाद में पोला कैस्पर को बताती है कि उस लड़के को किसी ने मारा है, लेकिन कैस्पर पोला की बातों पर ध्यान नहीं देता है और अचानक से उसे किस कर देता है। इसके बाद में कैस्पर कहता है कि वो पोला को पसंद करता है। इसके बाद में कैस्पर वहां से चला जाता है। अगले दिन पोला लाइब्रेरी में जाती है जहां पर वो सीक्रेट सोसाइटी के बारे में एक बुक पढ़ती है जहां पर ट्रिपल ए का निशान बना होता है, जिसके बाद में पोला ग्रेशियन को बताती है कि पहले के टाइम में एक सोसाइटी हुआ करती थी जो जिंदा लोगों को मारकर उनकी बॉडी के मॉडल बनाते थे। मुझे लगता है कि वो सोसाइटी अभी भी जिंदा है,
लेकिन ग्रेचन को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता है। इसके बाद में पोला अपने दोस्त से बात करती है, जहाँ पर उसका दोस्त बताता है कि जो सैंपल उसने भेजे थे उसमें रबर के ट्रेसेस मिले हैं। शायद उस लड़के की बॉडी में कोई ऐसा केमिकल डाला गया था जिससे कि उसकी बॉडी रबर की बन गई थी। ये सुनकर के पोला हैरान रह जाती है। अब पोला जब अपने कमरे में जाती है तो उसके बेड पर खून लगा होता है, साथ ही साथ उसके बेड के नीचे एक कैंडल भी होती है। ये देख कर के पोला फिर से सीक्रेट सोसाइटी की बुक पढ़ने लगती है, जिसमें लिखा होता है कि जब कोई सीक्रेट सोसाइटी के राज को जानने की कोशिश करता है तब सोसाइटी के मेंबर्स या लोग खून डालकर और कैंडल जला करके उसे चेतावनी देते हैं। तभी पोला को किसी के आने का एहसास होता है और ये हैन होता है। हैन पोला से ग्रेचन के बारे में पूछते हैं, जिस पर पोला कहती है कि ग्रेचन यहाँ पर नहीं है। असल में हैन को ग्रेचन पर शक होता है क्योंकि वो उसे धोखा दे रही होती है। अब ये दोनों आपस में वादे कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पर कैस्पर आ जाता है और कैस्पर हैन और पोला को एक साथ देख करके वहाँ से चला जाता है, क्योंकि अब कैस्पर को लग रहा होता है कि पोला उसे धोखा दे रही है। इसके बाद में पोला हैन को जाने के लिए कह देती है। अब हम ग्रेचन को किसी और लड़के के साथ देखते हैं, जहां पर वो उसके साथ इंटीमेट हो रही होती है। तभी वहां पर हैन आ जाता है और हैन ग्रेचन को किसी और लड़के के साथ देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और वो अपना बदला लेने के लिए उस लड़के को बुरी तरह से मार देता है, साथ ही ग्रेचन को भी एक इंजेक्शन लगा देता है। अब जब ग्रेचन को होश आता है तो वो अपनी बॉडी को हिला नहीं पाती है, क्योंकि असल में हैन ने भी उसे वही इंजेक्शन दिया होता है जिससे कि उसकी बॉडी रबड़ की बन रही होती है। अगले दिन पोला एंट्री बुक से पता करने की कोशिश करती है कि आखिर उस लड़के को किसने बुलाया था। तभी वहां पर हैन आ जाता है और वो पोला को बता देता है कि वो सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर है। साथ ही हैन पोला को ग्रेचन की कटी हुई उंगली दिखाता है, जिससे कि वो बताता है कि अब ग्रेचन भी नहीं रही है। इसे देखकर के पोला हैन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। इसके बाद में पोला पुलिस स्टेशन जाती है और उन्हें सीक्रेट सोसाइटी के बारे में बता देती है, लेकिन पुलिस वाले उस पर हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें पोला की बातों पर विश्वास नहीं होता है। इसके बाद में हैन पोला को एनाटोमी लैब में लेकर के जाता है, जहां पर उसी लड़के की डेड बॉडी होती है। तब हैन बॉडी में चाकू मारता है और पोला को बताता है कि ये सब असली है। पोला हैन को देख करके अब बहुत ही ज्यादा डरने लगती और वो वहां से भागने लगती है। हैन भी उसका पीछा करने लगता है। पोला भागते हुए बेसमेंट में पहुंच जाती है, जहां पर उसे वही इंजेक्शन मिलते हैं जिससे कि बॉडी रबड़ की बनती है। तभी वहां पर प्रोफेसर आ जाता है और प्रोफेसर पोला को रिलैक्स होने के लिए कहता है। प्रोफेसर बताता है कि वो भी सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर है और हम एक रिवॉल्यूशन ला रहे हैं जिससे कि हम असली बॉडी के रिप्लिकास बनाते हैं जिससे कि स्टूडेंट को कुछ नया सीखने को मिल सके। प्रोफेसर बताता है कि पोला के ग्रैंडफादर भी इस सोसाइटी के मेंबर थे और उन्होंने ही सीक्रेट सोसाइटी को दोबारा से शुरू किया था। पोला ये सुनकर के बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। इसके बाद में पोला अपने ग्रैंडफादर से मिलने जाती है, जहां पहुंचकर के उसके फादर बताते हैं कि उसके ग्रैंडफादर की मौत हो चुकी है। वहीं हम सीक्रेट सोसाइटी की मीटिंग को देखते हैं, जहां पर हैन होता है, क्योंकि हैन ने सोसाइटी के रूल्स तोड़े होते हैं और उसने अपने फायदे के लिए लोगों को मारा होता है, इसलिए सजा के तौर पर हैन एक कट्टर से अपने फेस पर 3 कट लगाता है। इसके बाद हम प्रोफेसर को देखते हैं, जो पोला के साथ मिलकर हैन को सोसाइटी और कॉलेज से निकालना चाहता है। तभी वहां पर हैन आ जाता है और वो प्रोफेसर को मार देता है। अब पोला फिर से वापस आ जाती है और वो अब बहुत ही ज्यादा दुखी होती है, इसलिए वो कैस्पर से इमोशनल होकर के इंटीमेट हो जाती है। इसके बाद में पोला कैस्पर के रूम में सीक्रेट सोसाइटी की बुक देखती है, जिससे कि पोला को लगता है कि कैस्पर भी उस सोसाइटी का मेंबर है, इसलिए वो कैस्पर को पीट कर वहां से चली जाती है। अगले दिन पोला को एक लेटर मिलता है जिसमें प्रोफेसर ने लैब में बुलाया होता है। जब पोला लैब में जाती है तो वहां पर हैन होता है और हैन ने ही वो लेटर लिखा होता है। हैन पोला को ग्रेचन की बॉडी की रिप्लिका दिखाता है, जिसे देखकर कि पोला बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अब पोला हैन से डरकर भागने लगती है, लेकिन हैन किसी तरह से पोला को पकड़ लेता है। जब पोला को होश आता है तो वो लैब में होती है और वो महसूस करती है कि वो अपनी बॉडी हिला नहीं पाती, जिससे पोला समझ जाती है कि उसे भी हैन ने वो इंजेक्शन लगा दिया है। तभी वहां पर कैस्पर आ जाता है और वो पोला को खोल देता है। इसके बाद में कैस्पर पोला से कहता है, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं एक रिसर्चर हूं जो कि सीक्रेट सोसाइटी के बारे में जानने आया हूं। इसके बाद में पोला कैस्पर को दूसरे रूम से सोडियम क्लोराइड की बोतल लाने के लिए कहती है, जिससे कि वो अपनी जान बचा सके। इसके बाद में कैस्पर बोतल लेकर के आ जाता है। इसके बाद में पोला कैस्पर को अपनी बॉडी में सोडियम क्लोराइड इंजेक्ट करने के लिए कहती है, जिस पर कैस्पर ऐसा ही करता है और कुछ देर के बाद में पोला की बॉडी फिर से हिलने लगती है। तभी वहां पर हैन दूसरे स्टूडेंट के साथ में आ जाता है और वो कैस्पर को पकड़ लेता है और उसे भी इंजेक्शन लगाने वाला होता है, लेकिन तभी पोला दूसरे स्टूडेंट पर
केमिकल डाल देती है जिससे कि उसकी बॉडी रबड़ की बनने लगती है। इसी बीच में पोला वहाँ से भाग जाती है, लेकिन हैन उसका पीछा करने लगता है, लेकिन पोला हैन को किसी तरह से छिप कर मार देती है। अगली सुबह हम कैस्पर को देखते हैं जो कि बिल्कुल ठीक होता है और उससे मिलने के लिए पोला आई हुई होती है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं दो स्टूडेंट को जो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि वे अब सीक्रेट सोसाइटी के लिए काम करेंगे और यहीं पर इस मूवी का अंत होता है। आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।